ये बहुत ही बड़ा है। ते गल बन गए, गल बन गए। ओ बॉय स्पाइडरमैन। 200-200 रुपए के, 350 रुपए के शूज मिल रहे हैं यहाँ पे। देख यहाँ पे इतने इतने सारे ब्रांड्स हैं ना जिनका बाकी किसको मुंह में आग लगानी हो ना वो यहाँ पे आए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसा सभी लोग, उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो गाइस आज ना मुझे जाना है कनॉट प्लेस। आपको पता है ये बहुत ही फेमस है दिल्ली में। वहाँ पे ना बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, वीडियो ये सब खींचने के लिए, लोगों से इंटरव्यू ये सब लेते हैं। तो हाँ, बहुत ज्यादा फेमस जगह है। और वहाँ पे ना पालिका बाजार भी है जो कि पूरा अंडरग्राउंड मार्केट है। तो आज जाते हैं वहाँ पे। और आज पता है मेरे को किसके साथ जाना है? हमारे YouTube फैमिली मेंबर जिनका नाम है शेखर, उन्हीं के साथ मुझे आज जाना है। वो वहीं पे रहते हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला आज के व्लॉग में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस फाइनली पहुंचे हम कनॉट प्लेस। ये देखिए कनॉट प्लेस, और ये रहे हमारे भाई शेखर। भाई क्या हाल है? बढ़िया। कितने सालों के बाद मिले आप? और चलो आज कहाँ घूमना है हमको? आज फिलहाल हम यहाँ सीपी घूमते हैं। सीपी घूमते हैं और सेंट्रल पार्क। आप तो यहाँ के लोकल ही, आपको पता है। हाँ, मैं आया हूँ यहाँ से बहुत बार लेकिन पता नहीं होता ना कहाँ पे क्या है। आज आप घुमा लेना सर। चलो जी चलो, गल बन गई। भाई लोग अभी हम जा रहे हैं, ये देखो यहाँ से कुछ फंक्शन होने वाला है, इवेंट, नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्टिवल। देखते हैं वहाँ पे, लेकिन ना 6:30 बजे लगने वाला है। अभी हम ऐसे ही घूमते हैं भाई, भीड़ चकरो भीड़। भाई यहाँ तो हमेशा ही भीड़ होती है कि नहीं? हमेशा ही भीड़ होती है। जैसे मंडे तो ये क्लोज रहता है। मंडे क्लोज रहता है, मंडे क्लोज होता है ये, और अच्छा। बाकी 6 डेज ओपन होता है। यहाँ पे क्या फेमस है ज्यादा कनॉट प्लेस में? कनॉट प्लेस में बस ये फेमस है। जमाने की बिल्डिंग है ये जो पीछे आप देख, अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है जहाँ पे वो ज्यादा रील्स ये सब खींचते हैं, वीडियो ये सब। आपको चीजें मिल जाएंगी। आपने वो देखा होगा जैसे घोड़े की नाल होती है ना? अच्छा, ये उस शेप का बनाया गया किसी अंग्रेज, घोड़े की नाल की शेप बनाया गया अंग्रेजों ने। पूरा राउंड सर्कल है ना व्हाइट कलर की बिल्डिंग। अभी घूमते हैं ना वहाँ से भी, घूमते हैं अभी सही है। ओ भाई भीड़ चकरो भीड़ कितनी ज्यादा है। पालके बाजार ये रहा ना? पालके बाजार कहाँ है? यही है ना अंडरग्राउंड? इसके नीचे तो मेट्रो स्टेशन है। अच्छा, इसके नीचे मेट्रो स्टेशन है, वो अंडरग्राउंड ही है ना पालके बाजार भी? क्या है यहाँ पे ये पेड़ पौधे? ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली। ओ भाई स्पाइडरमैन। ओ भाई कितने चले, मेरे को भी उठा के ले जाता भाई, मैं आ जाता वहाँ नोएडा से। हाँ भाई संभाल के रहना भाई, जाली फेंकेगा ऐसे ना। यहाँ पे हर तरफ से ऐसे वीडियो ये सब खींचते रहते हैं, तो मैं ना यहाँ पे वो बोलते ना भाई मौजूद ही नहीं हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ना वो मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले आते हैं, हम तो भाई छोटे 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 छोटे। अब जो भी है ना छोटी फैमिली है हमारी, लेकिन क्या है ना तगड़ी वाली है कि नहीं? ऐसी साथ देते जैसे शेखर भाई आ चुके। को यहाँ पे वो इवेंट होने वाला है नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्टिवल। भाई यहाँ पे ना फेस्टिवल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर तरह से फेस्टिवल ही चल रहा है। यहाँ पे हर तरह से फेस्टिवल, यहाँ से स्पाइडरमैन आ रहा है, यहाँ से बैटमैन आ रहा है, ऊपर से कोई जंप मार रहा है, समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो यही अभी से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, लेकिन 6:30 बजे यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ के ना वो मेट्रो स्टेशन है ना, निकल के सबसे ज्यादा भीड़ होती है यहाँ। बहुत ज्यादा इसी मेट्रो स्टेशन पे सबसे ज्यादा क्राउड होता है राजीव, सबसे ज्यादा क्राउड मेट्रो स्टेशन का तो छोड़ो, यहाँ पे देखो कितना सारा क्राउड है, हर तरफ से क्राउड ही क्राउड है भाई। कहीं मैं खो ना जाऊँ भाई, अगर खो गया ना मेरे को मिस कॉल कर देना, लाइव लोकेशन भेज देना। सही है, चले फिर अभी जाते हैं, पता नहीं कहाँ की तरफ। जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे अच्छा ही होगा। एग्जिट आगे से एग्जिट लेते हैं। सही है। अगर आप जैसे कनॉट प्लेस पे राजीव चौक पे आए हैं, तो अगर आपको लैंडमार्क चाहिए तो देखिए सामने गोपाल लैंडमार्क, ये जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर की बिल्डिंग है, गोपाल दास भवन बिल्डिंग का नाम है और वो काफी फेमस है। अच्छा, हाँ काफी फेमस। अगर मैं खो जाऊँ ना तो वहीं पे पहुंचूंगा। बिल्कुल आप वहाँ पहुंच जाओ। यहाँ पर बहुत सारे मेट्रो स्टेशन के गेट्स हैं, आप मेट्रो स्टेशन जो गेट है, अगर आप नहीं आते ना मैं मेट्रो में खो जाता, तभी मैंने सोचा कि शायद आपको अंदर ही रिसीव। ये फ्लैग है, फ्लैग है देश का फ्लैग, ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, दूर से आपको नजर आएगा, दूर से नजर आता है ना ये। सही है भाई, ये देख लो, ये भी है यहाँ पे ही। ठीक है, सीपी में ही है पालिका बाजार। पहुंचे हम अभी पालिका बाजार, सीपी तो ये रहा, ये बिल्डिंग सब है ना यहाँ से। यहाँ से देखो ये रहा यहाँ पे पालिका बाजार जो कि अंडरग्राउंड मार्केट है। लेकिन अभी हम पहले मार्केट में नहीं जाएंगे, पहले हम सीपी घूम लेते हैं। क्यों भाई? हाँ, पहले हम कनॉट प्लेस घूम लेते हैं, सही उसके है, बाद हम मार्केट कवर करते हैं उसके बाद। तो भाई लोग ये देखे, ये रहा सीपी कनॉट प्लेस। ठीक है, ये ना पूरा गोल शेप है यहाँ से, और घोड़े के नाल है ना उसकी शेप में बनाया गया। क्यों भाई? घोड़े के नाल की शेप है ना। अब नाम नहीं पता मुझे, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया है ये। ठीक है, यहाँ से ना बहुत सारी शॉप है, कौन सी शॉप से मेरे को लगता है वो ब्रांड ही ज्यादा मिलता है यहाँ से। देखो आप, एक ही तरह का डिजाइन है सबका, बिल्कुल व्हाइट कलर की बिल्डिंग्स है। हाँ, और सब आपको यहाँ सारे लग्जरी ब्रांड मिलेंगे, लग्जरी ब्रांड। तो हमको शॉपिंग करनी है,
अभी यहाँ काफी ज्यादा रेट हाई है, अगर इसके पास अच्छा पैसा है वो जरूर आ सकता है भाई, जरूर आएंगे अगर चाह ना आप लोगों ने अगर सपोर्ट किया, नेक्स्ट टाइम दोनों साथ मिलकर शॉपिंग करेंगे, यो वैन से शॉपिंग करेंगे। अरे भाई करेंगे शॉपिंग, कोई गल नहीं है लेकिन अभी नहीं, अभी हम घूमने आए, अभी हम घूमने आए हैं, आप भाई को सपोर्ट करो ताकि हम और अच्छी वीडियोस लेके आए, ताकि हम शॉपिंग करने आए। आप ना पब्लिक व्लॉगिंग करो मेरे साथ, वो बोलते हैं ना डर को मारो गोली, आप सुनो मेरी बोली, डरने की क्या जरूरत है, आप उनका भाई साथ है, दिल्ली दाड़ा होने हमारे साथ, आइए दिल्ली और घूमिए। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, यहाँ पे वो इल्यूजन वो होता है ना, सही है भाई, नाम से पहचान लिया मैं, कैसा होगा वहाँ पे, खो जाएगा इंसान, खो जाएगा क्यों भाई, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेरे को यहीं पे इल्यूजन हो रहा है, भीड़ देखो म्यूजियम के लिए, भीड़ भीड़ चेक करो, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन बोला, मेरे को यहीं पे इल्यूजन हो रहा है भीड़ देख के, अंदर तो पता ही नहीं है भाई कहाँ पहुँचूंगा मैं। लोग भीड़ से निकले, अब आ चुके हैं हम और सी पी में ही, सारा ना सी पी है यहाँ से, हाँ अब वहाँ पे मेरे को लगता है म्यूजियम की वजह से ज़्यादा भीड़ थी। ये देखो यहाँ पे ना हर तरफ से ब्रांडेड शोरूम है, सब है हर तरफ से, जहाँ से भी आप जाओ भाई, चाय मिलेगी चाय पियेंगे, बिल्कुल चलो आगे चलो जी, बिना पी वी आर सिनेमा ये सब है, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, हाँ सब कुछ है ना, एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ, हाँ ज़्यादातर शॉप्स हैं वो महंगी शॉप्स है यहाँ पे ज़्यादा है ना, देखो पी वी आर द प्लाजा, जब हमारी चैनल वो होगी ना ग्रो होगी, हम शॉपिंग ये सब नहीं करेंगे भाई, गरीब लोगों की हेल्प करेंगे, अभी हमारा यही चलता है, यही कपड़े यही जूते अच्छे हैं ना, अपना निकलता है भाई, बाकी हमको इतने बड़े वो नहीं जाना, हम करेंगे गरीब लोगों की मदद, गरीब लोगों की मदद करेंगे, पैसे सेव करेंगे, उड़ाएंगे भी साथ में, शेखर भाई और मैं, हम भी उड़ाएंगे और लोगों को भी ऐश कराएंगे, ऐश कराएंगे, सही है। अब हम चल रहे हैं पालिका बाजार, पालिका बाजार की ओर, सी पी तो बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ज्यादा बड़ा, पर मैं ना थक गया, ब्लॉक्स हैं, एक बार में एड्रेस भी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्स है ना, जैसे एफ ब्लॉक, क्या क्या ब्लॉक है यहाँ पे, आपको पता चल होना चाहिए कि ए ब्लॉक में जाना है, बी में, सी में, डी ब्लॉक है यहाँ पे, डी हाँ, वो मेरा है ड्रीमर व्लॉग्स, यहाँ पे इतने इतने सारे ब्रांड्स हैं ना, जिनका ना नाम ही नहीं मेरे को पता, ठीक है कभी सुना ही नहीं है, चलिए हम ब्रांड को क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ना स्ट्रीट मार्केट भी है और शॉप्स भी है, जैसे कि यहाँ पे देखो चीज़ें मिल रही है और वहाँ से शॉप्स ये सब है, मतलब सब कुछ यहाँ पे आप फन कर सकते हो, खेल सकते हो, कूद सकते हो, जो भी कर सकते हो सब कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यहाँ पे देखो इतने मस्त मस्त चीज़ें मिल रहे हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे हिंदी आता है ना आपको, हाँ बिल्कुल, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्या क्या गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा गेम्स, ओके ये कौन सी गेम है, मेट्रो चलानी है, ये है वो क्या बोलते इसको, भारत मंडपम, ये है मेट्रो, मेट्रो नहीं है ये, क्या है, वंदे भारत, अच्छा इसी में चढ़े हो आप, हाँ। कितनी प्राइस है इसकी, इसकी थी से लेके अंबंदौरा तक 1150-1150 रुपए, रिटर्न में मेरी, वो कितना दूर है यहाँ से, आई थिंक चंडीगढ़ के बाद आता है, चंडीगढ़ से 1-2 घंटे का, 2-3 घंटे, ऊना हिमाचल, ऊना हिमाचल, ये था वो सी पी जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ये सब आते हैं रिएक्शन लेने के लिए, चाहे वो इंटरव्यू लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए यहाँ पे आते लेने के लिए, ठीक है तो यही है वो सी पी, एक तो कुछ सी पी सी पी सी, तो भाई लोग ये देखिए हम ना वापस आ चुके हैं पूरा सर्कल काट के, ठीक है यहाँ से आ चुके हैं हम वापस, अब जाते हैं पालिका बाज़ार की ओर, पर यहाँ से वो जो मैं बोल रहा था ना जहाँ पे वो हैंडमेड चीज़ें मिलती है, यहाँ से उसका रास्ता, हाँ बिल्कुल होगा वहाँ पे, वहाँ पे भी एक अलग मार्केट, पता नहीं वो राजस्थानी मार्केट है कि क्या मार्केट है, और मार्केट है यहाँ पे जनपद, तो भाई लोग हम आ चुके हैं पालिका बाज़ार, ये देखो ये रहा पालिका बाज़ार, अभी मैं पालिका बाज़ार पे खड़ा हूँ, यहाँ पे देखो कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है पालिका बाजार के ऊपर है, पालिका बाजार बिल्कुल हमारे नीचे है, ये देखो यहाँ पे कपड़ों की शॉप, वहाँ पे जूतों की शॉप क्यों भाई, सही है ना, यहाँ पे ना पार्क बनी हुई थी पहले, यहाँ पे लोग बैठते थे, लेकिन अभी यहाँ से वर्क चल रहा है भाई, ये कौन सा वर्क चल रहा है नहीं पता, रीडेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, हाँ यहाँ पे तो पहले हर तरफ से ग्रास ग्रास ही थी, अभी यहाँ से काम चल रहा है, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, वेंटिलेशन का, हाँ भाई यहाँ पे ना मैं गया हूँ ना पाल के बाजार में, वहाँ पे ना बहुत गर्मी होती है, समर में भी ऐसा ही होता है वहाँ पे, नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ पे एसी चलता है, एसी चलता है, हाँ। सही है, लेकिन वहाँ पे कोई खिड़की ये सब नहीं होती है, ये वेंटिलेशन के लिए ही है, ये वेंटिलेशन है, ये एलआईसी की बिल्डिंग है, ये एलआईसी की बिल्डिंग है, जीवन बीमा, नहीं जीवन बीमा पता नहीं क्या क्या, जिसको भी करना हो कर लेना, ठीक है
तो बाकी ये पूरा सी पी है, हाँ यहाँ से सी पी है ना राइट साइड से, पूरा सी पी है ठीक है। यहाँ पे ऐसे बैठते थे लोग, अभी पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ से भाई। यहाँ पे ना वो घूमने के लिए बन रहा है, जब नेक्स्ट टाइम आओगे हाँ तब एक कंप्लीट होगा। हाँ मित्रों समर तक कंप्लीट होगा ही होगा। यहाँ से ना पहले खाली वो ग्रास था ठीक है, वो मैदान टाइप था यहाँ से, अब यहाँ से वो क्या बोलते फुटपाथ से सब बन रहे हैं, मतलब मस्त होने वाला। मेरे को लगता है लाइटिंग भी होगी यहाँ पे। देखो भाई लोग यहाँ पे ना न्यूज चैनल वाले भी आए ठीक है, फिर यहाँ पे डिबेट ये सब लगता है, तो देखते हैं वहाँ पे जाके ना ऐसे होता ही रहता है, डिबेट चलते रहते हैं या कुछ फंक्शन ये सब होता है, डांस चलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है यहाँ पे। यहाँ पे ना यहाँ पे मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा टैटू बनाते हैं पालिका बाजार में भी और बाहर से भी, ऐसे खाने का सामान खाने की चीज़ें। हम भी खाएंगे ना, क्या खाएंगे आप बताओ आपको क्या खाना है? मेरे को दिल्ली का नहीं पता ना, कश्मीर का अलग होता है। दिल्ली में यहाँ तो बस पैटीज वगैरह है, पैटीज और पेस्ट्री, कुलचा कुलचा और मोमोज वगैरह। यहाँ पे भी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। ओ भाई ड्राई फ्रूट भी मिल रहा है यहाँ पे, ड्राई फ्रूट पान, वाह भाई भाई वो पान था ना कुछ आग जला देते फिर मुंह में भर दो, फायर पान सही है, यही भी है यहाँ पे फायर पान भी है। बाकी किसको मुंह में आग लगानी हो ना वो यहाँ पे आए। भाई यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा भीड़ थी ठीक है, इसलिए हमने खाना कैंसिल कर दिया। अब हम थोड़ा सा घूमते फिर आगे जाके देखते जहाँ पे भीड़ ना हो ना वहीं पे खाते हैं, कि खाने का भी मजा आना चाहिए ना, वरना धक्का मुक्की होगी खाने में भी। लोग बिजी है अपने में ठीक है। ये देखो यहाँ पे शर्ट्स मिल रही है भाई, यहाँ यहीं पे शॉपिंग करेंगे हम, क्या लगता है आपको? अभी तो हम यही कर सकते हैं, अभी हम यहीं पे कर सकते हैं, बाकी जो सिटी का लग्जरी ब्रांड्स हैं वो हम बाद में करेंगे जब। सही है, लग्जरी ब्रांड्स का बाद में करेंगे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाओ, 1 मिलियन सही है भाई सही है। ये देखो हर तरफ से यहाँ से कपड़े मिल रहे, जूते मिल रहे, जो भी मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है। आउटर सर्कल, अच्छा आउटर सर्कल है कनॉट प्लेस का, देखो क्योंकि बिल्डिंग वाइट है, देखो ये व्हाइट है, मतलब ये कनॉट प्लेस का हिस्सा है, देखो सामने ये पूरा मिलता है वहाँ से। ओके ये कुछ इधर आउटर सर्कल है, अच्छा आउटर सर्कल, चले हम वहाँ से गोल करके आते फिर जाते पालिका बाजार। चलो जी, मेरे को लगता है ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली होगा, पिछली बार मैंने नहीं देखा था ये, पर ये ना सही चीज़ है, अगर ब्यूटीफुल बनाना है ना तो वो पेड़ पौधे उगाने चाहिए। ये सारा ब्यूटिफिकेशन G20 के भाई, मेरे को ना ऐसी जगहों पे मजा आता है क्योंकि कश्मीर में हर जगह से ग्रीनरी है ना, तो जब भी मैं यहाँ पे ग्रीनरी देखता हूँ तो मजा आ जाता है। यहाँ से देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं, और दिल्ली में ना हर जगह से ऐसा ही होना चाहिए। हेलो, ये देखिए ये रहा जनपद का मार्केट जो कि यहाँ CP राजू चौक के पास में ही है ठीक है। देखो जनपद लेन, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है भाई, CP से ज्यादा भीड़ है यहाँ से। यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, जनपद का मार्केट बहुत पुराना और बहुत फेमस है। अच्छा ये बहुत पुराना और फेमस मार्केट है, सही है भाई सही है। ये देखो भीड़ भाई, CP से ज्यादा यहाँ पे भीड़ है क्योंकि यहाँ पे ना अच्छी प्राइस में चीजें मिलती है ना, वहाँ से खाली वो ब्रांड वैंड के शॉपिंग करते हैं और यहाँ से अपनी शॉपिंग, अपनी वाली शॉपिंग। 350 रुपए के शूज, 200 रुपए के, 350 रुपए के शूज मिल रहे हैं यहाँ पे। देखो पर ऐसी ना सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, है ना हर तरफ से। स्वेटर 300 रुपया, 300 रुपया, चीपेस्ट मार्केट, चीप प्राइस में आपको चीज़ें मिलेगी, जैकेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे A to Z ठीक है। बस ड्रीमर नहीं मिलेगा यहाँ पे कभी कभार। बड़ी जैकेट पहन के कितनी सर्दी रुकेगी किसकी? अच्छा ये जैकेट ये किसको, ये किसके लिए है? गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए। हाँ सही है भाई सही। ये क्या है? राम लड्डू, राम लड्डू, राम लड्डू। और यहाँ से जनपद का मार्केट, मुझे लगता है यहाँ से नहीं जाएंगे भाई, मुझे लगता है हम वापस चलेंगे, पर यहाँ से खो जाएंगे, खो जाएंगे यहाँ से। ये हमारे सारे सब्सक्राइबर्स है, मीटअप हो रहा है यहाँ पे मीटअप। तो वहाँ से ना भीड़ की वजह से कुछ सुनाई भी नहीं देगा आपको, इसीलिए हम यहाँ से वापस ही जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम ना अलग से फिर वीडियो बनाएंगे जनपद का, अगर आप लोग कमिट करोगे। यहाँ पे मिल रहा है पापड़, पापड़ मसाला मार के, यहाँ पे मिल रहा है राम लड्डू मखन मार के। यहाँ पे गर्मी होती है ना, ऐसी मार्केट लग जाता है दिन में भी। मार्केट तो ऐसा ही लगता है, लेकिन गर्मी के मारे इतने बुरे हाल होते हैं कि ज्यादातर जो क्राउड होगा वो शाम को होगा, शाम के टाइम ही ज्यादा क्राउड होता है। सदर बाजार, सदर बाजार, हाँ वहाँ पे सारा होलसेल का मिलता है, वहाँ पे मिलता है मेकअप। भाई मैंने देखा था पिछली बार वो लिपस्टिक आती है ना जो 150-150 रुपए की लिपस्टिक आती है, 100 रुपए का ना पूरा पैकेट ही आता है उसका, 60 रुपए के 12 बेल्ट पता है ना जो हम लगाते हैं, वो 2 रुपए का मिलता है। वहाँ बहुत सस्ता सामान मिलता है, बहुत, और लिपस्टिक 1 रुपया 1.5 रुपया ऐसे करके। मतलब आप अगर पूरे इंडिया में जो होलसेल का सारा मार्केट सारा सामान जाता है ना वहीं से जाता है, वहीं से जाता है। सही है भाई सही है।
होलसेल मार्केट सदर बाजार, ठीक है। अब देखता हूँ मैं, अगर टाइम ला तो वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे चलने की भी जगह नहीं होती इतनी भीड़, इसलिए मैं थोड़ा सा वो अकेले हूँ ना तो देखना पड़ता है कहाँ पे। अगर हज़ार मेट्रो ये भी खोलेंगे ना फिर भी भीड़ नहीं रुकेगी यहाँ पे, नहीं रुकेगी यहाँ पे, बहुत बड़ा मेट्रो, यहाँ पे कुछ भी ट्रांसपोर्ट ना, बस हो, रिक्शा हो, मेट्रो हो, भीड़ तो होगी होगी भाई। हर दो मिनट के बाद मेट्रो आ जाती है, आती है ना, उसके बाद भी देखो कितनी भीड़ भाई, मैं तो बैठा ही नहीं हूँ मेट्रो में। ये देखो यहाँ पे पाजे गल बन गए, गल बन गए। लोग हम आ चुके हैं 35 खाने के लिए। कौन सी पैटीज लेनी है, आलू पैटीज या वो पनीर पैटीज? भाई कुछ भी ले आओ, जो आपकी मर्जी है, मेरे को नहीं पता ना क्या मिलता है। आज की 35 मक्खन मार के, क्यों पाजी? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो 35, ये कौन सी है, आलू है कि पनीर? आलू, आलू पैटीज, पहली बार ही खाना है मुझे। तो गाइज आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कनॉट प्लेस और दिखाया जनपद का मार्केट, ठीक है। मुझे लगता है आज का वीडियो ना बहुत ही बड़ा बन गया। अभी हमको कहाँ पे जाना है? पालिका बाजार, पालिका बाजार जा रहे हैं। तो आज के व्लॉग ना यही पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, बाय बाय।